नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। दोस्तों आज हम कोशिश कर रहे हैं, गुलाम अली खान साहब की एक गजल है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। तो दोस्तों हर गजल के अंदर एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम हर लाइन को, चाहे वो कंप्लीट लाइन हो चाहे वो आधी लाइन हो, उसके अंदर हम उसको अलग अलग पैटर्न से या कहें कि इम्प्रोवाइजेशन के माध्यम से हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। वही गजल की एक खास मतलब की विशेषता है। तो मैं इस गजल के अंदर आपको एक जो बेसिक थीम है इस गजल का, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी तो फिर आप इसको अच्छे से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, तब जा करके आपको इसका एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में आएगा, कहाँ कहाँ पे आप हरकत ले सकते हैं, क्या आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, वो सुनने से आपके दिमाग में आएगा। मेरी ये कोशिश है। बात करूं दोस्तों को दोस्तों सुरों की, तो इसमें गाधानी कोमल यानी थाट आशावरी का प्रारूप फॉलो किया गया है। मध्य सप्तक की पहली काली सा रे गा मा पा धानी सा, यहां तक चलेगा ये सा नी धा पा मंदर सप्तक में तीन सुर हैं, नी धा वा धा नी सा। बिल्कुल स्लोली हम समझते हुए चलते हैं। शुरुआत सा से होती है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, अस्थाई का प्रारूप है। इसके अंदर और भी बहुत सारी हरकतें इसके अंदर ली गई हैं, किस प्रकार से है वो क्रम आप बार बार अगर गजल को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बिल्कुल स्लोली समझिए इसके अंदर क्या हुआ है। हंगामा है क्यों बरपा, सा नी सा धानी रेसा भी कर सकते हैं, पामा गारेसा भी ले सकते हैं, थोड़ी सी जो पीनी है। क्योंकि आशावरी में हम लोग जाते वक्त तो रेमा करते हैं, आते वक्त गारेसा करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वापस देखिए, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी है, डाका तो नहीं डाला, देखते जाइएगा, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, की है
देखिए, सा से हम सीधा चले गए पा पर। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी। वापस देखिए, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी है। हंगामा है क्यों बरपा, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी है। हंगामा थोड़ी सी जो पीनी। तो इसमें हर बार में आप देखेंगे, मैं आपको जो बता रहा हूं उसके अंदर हर बार में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन यानी इम्प्रोवाइजेशन किया गया है। सिंपल सिंपल नहीं चलता है, गजल की खास बात यही होती है। और स्पेशली गुलाम अली खान साहब की गजल, उनकी तो आप जानते ही हैं। एक बार और रिपीट करता हूं, फिर हम अंतरा देखते हैं उसका पैटर्न किस प्रकार से चलता है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी है। मंत्रा, उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना। पहली लाइन, उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना। मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी। अंतरा देखिए, उसमें से नहीं मतलब, स्लो, उसमें से नहीं मतलब, दिल जिस से हो बेगाना। उसमें से नहीं मतलब, दिल जिस से हो बेगाना। मकसूद है उसमें से, दिल
देखते हैं उसमें आप देखेंगे एक और वेरिएशन। हो सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। इसमें आप देखें गा शुद्ध का भी यूज हुआ है। डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है, जो पीनी है। थैंक यू दोस्तों, आप इसको तैयार करें और मैं फिर कहूंगा कि आप इसको सुनेंगे बार बार तब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और हारमोनियम पे आप सारी हरकत ले पाएंगे। उसके लिए बहुत परफेक्शन की आवश्यकता होती है और उसके लिए शायद मैं भी अभी तैयार नहीं हूं। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।